क्या बात है, क्या बात है। मूड में, मूड में। अच्छा दोस्तों, एक हिंदुस्तान के अंदर जो त्रादशी हुई है, महाप्रलय जो आया है, देश नहीं बल्कि पूरा विश्व जिस महाप्रलय को लेकर के चर्चा कर रहा है, आज दुनिया के कोने कोने में इस बात की चर्चा है कि केदारनाथ धाम के अंदर जो तांडव हुआ है, जो महाप्रलय आया है, वो दुनिया की आत्मा को एक बार झकझोर देने वाला रहा है। विश्व के हर लोग, हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे देशों के लोग अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और इतिहास रहा है। चार धाम जाने से लोगों के मोक्ष की प्राप्ति होती है। बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ लोग चार धाम की यात्रा करने के लिए चलते हैं, लेकिन बारे भगवान तेरे दरवाजे पे जाने के बाद आज महाप्रलय की जो वो लीला देखने को मिली, लाखों लोगों की जान, लाखों लोग मलबे में फंस करके आज भी दबे पड़े हुए हैं, लाशें निकाली जा रही है, कोई आंकड़ा नहीं, कोई गिनती नहीं कि कितने लोग मरे और कितने लोगों की लाश दबी पड़ी हुई है। चार लाइन की एक चर्चा है। एक कलाकार होने के नाते, हम गायक कलाकार धर्मेंद्र सिंह सोलंकी बहुत पूरी जगत के बड़े अच्छे कलाकारों को एक अच्छा, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म देने वाले बड़े भाई किशोर जी के नेतृत्व में यह कैसेट आप लोगों के बीच में जा रहा है, संगम कैसेट कंपनी के सौजन्य से। उम्मीद है कि ये गीत, ये बिरहा आप लोगों को पसंद पड़ेगा। चार लाइन भूमिका में लिखल गेल, कहना है क्या आप दोष खुद का कहूं या रूठ गई है प्रकृति, आपदाओं का टूटा ये सैलाब है, धर्म स्थल के आस्था पे सोचो जरा, देखता जो नजारा ये संसार है, भावना इस कदर आज कुंठित हुई, अरे कांप जाता हृदय वो जखम देख करी, चार धामों में तांडव भयानक हुआ, रो पड़ी है कलम दासता सोच कर, दुनिया के कोने कोने से आवाज आ रही है कि आज जो केदारनाथ धाम में हुआ, शायद ऐसा प्रलय विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में ना हो, इसलिए कि आम जनमानस से लेकर के राजस्व की हानि, पशु पक्षियों का नुकसान इस धरातल पे बड़ा जबरदस्त हुआ है, जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। जरा ध्यान देंगे, बिरहा में बड़ा खूबसूरत कव्वाली का टुकड़ा लगल, कवन मालिक कव्वाली का टुकड़ा बा मास्टर संकेत करत हवन, किसी दिल फेक आशिक के दिल की आवाज है, अपने आशिका से सवाल करता है कि ये जानम तेरे याद में एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन नहीं, लेकिन मेरे जिंदगी के हर रोम रोम में एक आवाज आती है, सिहरन सी दौड़ती है, क्या अखिया लड़ल बजब से, अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे,
जब से दिल में करार नहीं खे, लड़ल बा जब से दिल में, हम कैसे काही हमारा, हम कैसे काही हमारा तोहरा से प्यार नहीं खे, हम कैसे काही अरे हमारा तोहरा से प्यार नहीं खे, हम कैसे काही हमारा तोहरा से प्यार नहीं खे, हम कैसे हमारा तोहरा से प्यार लईखे, अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार लईखे, अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार लईखे। गौर करेंगे बिरहा में भाव लिखल गई आज इस इतनी बड़ी त्रादशी को देख करके कवि ने एक लाइन लिखा है, क्या लिखलन कि कुदरत कुदरत का आज ऐसन, अरे कुदरत का आज ऐसन कानून हो गई बा, कानून हो गइल बा, लौके न कुछौ के हरो, लौके न कुछौ के हरो जग सुन हो गइल बा, कुदरत को आज ऐसन कानून हो गई बा, कुदरत को आज ऐसन गौर करेंगे। कहानी की शुरुआत है उत्तराखंड के बारे में, तमाम चर्चा तमाम कलाकारों से आपको गीत सुनने को मिलेगी, लेकिन एक छोटी सी टर्न लेकर के मैं गीत की शुरुआत कर रहा हूं। आज हिंदुस्तान के नक्शे पे उत्तराखंड के तबाही की तस्वीर लिखी गई है, लेकिन एक छोटी सी दास्तान है, जरा गौर करेंगे। कहानी की शुरुआत है मालिक कैसे, जरा सी चूक जब नासूर बन के आती है, जरा सी चूक जब नासूर बन के आती है, बड़ी घटना का वो संकेत दे के जाती, अरे जैसे भक्त से भगवान आज रूठ गया, जैसे भक्त से भगवान आज रूठ गया, केदारनाथ में प्रलय बन के वो टूट गया, दुनिया के कोने कोने से लोग जाते हैं चार धाम का भ्रमण करने, आज ठीक उसी तरह विश्व के कोने कोने से लोग तैयारी करते हैं, कहां तो केदारनाथ धाम जाने के लिए, कहना है क्या, चले सैलानी चार धाम का भ्रमण करने, चले सैलानी चार धाम का भ्रमण करने, शिव की नगरी और नदियों का रमण करने, समय का चक्र जब आगोश में ले लेता है, सही है हा? समय का चक्र जब आगोश में ले लेता है, समय का चक्र जब आगोश में ले लेता है, सुख के साथ हो जखम बड़ा भी देता है, गौर करेंगे मेरे मित्रों। केदारनाथ धाम के लिए तीर्थयात्री रवाना होते हैं,
एक जगह से नहीं, यूपी से नहीं, बिहार से नहीं, उत्तराखंड की धरती पर जाने वाले लोगों का दुनिया के कोने कोने से जाने का तांता लग जाता है। सामाजिक परिक्षेत्र में ये बिरहा के गौला का मतलब केदारनाथ में तबाही भइल बा, दुनिया का लोग शोक मनावत बा, लेकिन आखिरकार तबाही के कुछ मुख्य कारण बा, कुछ मुख्य बिंदु बा, जोने बात के तनी सा हम चर्चा करब। हमारा बिरहा में बड़ा खूबसूरत एगो गीत लगल कौनो मेहरारू अपना मर्ज से कहलस, ए रिंकुआ का पापा हर साल कहीं ला लिया के ना जाला, असो हमार मन करत बा बाबा धाम जाए खातिर, सावन का महीना आ गेल बा। मर्द कलश की सुन, ये महंगाई में पैसा रुपया के बड़ा कड़की बा, अगला साल तो के लिया चलब। मेरा रू कलश के अच्छा ठीक बा जा तरत जा, लेकिन हमार दो चार को फरमाइश बा जरूर ले ले यहां। मेरा रू कैसे फरमाइश कैले रहल टुन्नू मास्टर, गीत का लाइन बा मास्टर संकेत करत हूं। मेरा रू अपना मर्ज से कहले रहल का कहलस, अरे देव घर का साड़ी, देव घर का टिकुली, देव घर के मिठैया, घर का साड़ी, देव घर का टिकुली, देव घर के मिठैया, आय हाय देव घर के मिठैया, कचूरी संता बोला ले हो, अरे के हो डराई पर सैया, कचूरी संता बोला ले हो, के कोने कोने से लोग चलते हैं कैसे, अरे दुनिया के कोने कोने से मन में आस लगा के, तैयारी है मालिक तैयारी है, अरे दुनिया के कोने कोने से मन में आस लगा के, आए हाय मन में आस लगा के, चलल उत्तराखंड के ओरिया हो यारे, मन में भाव जगा के, चलल उत्तराखंड के ओरिया हो, मन में भाव जगा के, जाने वालों की संख्या तो बहुत रहती है, लेकिन अधिकांश लोग किस प्रदेश से और किस रास्ते से कूच करते हैं जरा ध्यान देंगे, कहना है क्या, अरे यूपी बिहार बंगाल गुजरात दिल्ली या बॉम्बे सहरिया से, दिल्ली या बॉम्बे सहरिया से भैया, दिल्ली या बॉम्बे चलो, अरे जत्था भइल बा रवाना केदारनाथ, अरे जत्था भइल बा रवाना केदारनाथ, अलगे अलगे डगरिया से, अलगे अलगे डगरिया से भैया, अरे हर हर बम बम बोलत बोलत नारा सभे लगा के, हर हर बम बम बोलत बोलत नारा सभे लगा के भैया, अरे हर हर बम बम बोलत बोलत नारा सभे लगा के, आय हाय नारा सभे लगा के, तो चल उत्तराखंड के ओरिया हो यारे, मन में भाव जगा के, चलले उत्तराखंड के ओरिया हो, मन में भाव जगा के, दुनिया के कोने कोने से तीर्थयात्री रवाना होते हैं। जून के फर्स्ट वीक में तैयारी होती है,
चाहे मेरा जनपद देवरिया रहा हो, पूर्वांचल का गोरखपुर से लेकर के आजमगढ़, बनारस मऊ, बिहार छपरा से लेकर के हिंदुस्तान के कोने कोने से तीर्थयात्री सैलानी चलते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, बड़ी टिपिकल बात, कलाकार गीत को गाएगा आप सुनेंगे तो गाने वाले से ज्यादा दिमाग सुनने वाले आप सब साथी रखेलन। एगो हम बात बताई, पेपर पत्रिका से प्रमाण मिलल, 1,50,00,000 की आबादी वाला उत्तराखंड, 1,50,00,000 की आबादी वाले उत्तराखंड में हर साल जब सैलानियों का जत्था पहुंचता है तो अनुमानतः 2,70,00,000 से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड की धरती पे दर्शन करने, तीर्थ यात्रा करने और देशाटन करने के लिए चलते हैं। सवाल इस बात का नहीं है, दुनिया में हर धर्म स्थान है। कहानी यहीं से थोड़ा मोड़ ले लो बाबू, केदारनाथ में ही तांडव आयल, दुनिया देखल, टीवी पत्र पत्रिका के माध्यम से आपके सुने के मिलल, लेकिन शुरुआत कहाँ से है इस तांडव की, इस बात का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। बिरहा में बड़ी खूबसूरत एगो तरज लग गई, कोनो मेरारू के बियाह भइल, गौना भइल, अपना ससुरे आइल, रात का पहला दिन सुहाग रात बीतल, चुन्नू मास्टर सवेरे जब वो मेरारू घर से बाहर निकलल त नंदी पूछलस, काजी रात भर खूब नून गुदरी कटा रहा ना, कलस के नून गुदरी तो कटा रहा ना कटा रहा, ही बात के बाद में घर से तोले फोन आ गल नहीं, अरे से भौजैया पूछलस का हो, कोनो दुख नहीं खे ना, मेरा कलस की कुल सुख तो सुखे है लेकिन एगो सुख बिना हमार जिंदगी अब लगातार बेकार हो जाई, का बतौलस। तैयारी रहे, मेरारू अपना मर्द के बारे में बतौलस, का बतौलस, अरे रतिया या सही पितावे धारे नहीं कोराए भौजी, अरे रतिया या सही पितावे धारे नहीं कोराए भौजी, हमारा सैया के हमारा रजऊ के हमारा सैया जी के काम न करे लोढ़ाए भौजी, हमारा सैया जी के काम न करे लोढ़ाए भौजी, हमारा सैया जी के। एक और बात मैं बताऊं, उत्तराखंड के अंदर दुनिया का कोई भी प्रदेश, दुनिया का कोई भी देश इतने तीर्थ स्थानों को एक साथ समाहित करके नहीं रखा है जितना उत्तराखंड में धर्म स्थान बा, धर्म स्थान का मंदिर बा, उतना शायद दुनिया के कोनो प्रदेश में हुई। तो कहना बा का बाबू, धर्म का सारा स्थल बाटे, धर्म का सारा स्थल बाटे उत्तराखंड के अंदर हो, अरे धर्म का सारा स्थल बाटे उत्तराखंड के अंदर हो, धारी देवी जिनका, अरे धारी देवी जिनका, अरे धारी देवी जिनका करे ललगवा सब पग बंदन हो, धारी देवी जिनका करे ललगवा सब पग बंदन, अरे धारी देवी। प्रमाण मिलता है, वेद पुराण गवाही देते, राजा भगीरथ जब गंगा जी के लेके ये धरती पर चललन तो उनका वेग उनका रफ्तार इतना तेज रहल, आराध्य कैलन भगवान शंकर का, स्तुति कैलन भगवान शंकर अपने जटा में समाहित कराते हुए गंगा जी को धरती पर छोड़ने का काम किए थे। जैसे दुनिया के प्रलय से भगवान शंकर जटवा में गंगा जी के लाई के रोकलन, दुनिया के प्रलय से बचौलन, उसी तरह उत्तराखंड के अंदर अलकनंदा नदी के बीच में 800 सालों से धारी देवी उस अलकनंदा नदी के बीचों बीच में खड़ा होकर के और उत्तराखंड वासियों को बाढ़ से, विनाश लीला से बचाने का काम किया करती थी। समय आ गई, धीरे 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 दिन बीते लगल, 800 साल की पुरानी धारी देवी की प्रतिमा आज
धीरे धीरे जून का महीना आयल बा कवन त 2013 वाला यही जैसे बतिए बिगड़ गई का भइल भैया कहना है क्या बावरा प्रोजेक्ट के अरे बावरा प्रोजेक्ट के बने में रहली बाधा बात भयंकर हो धारी देवी जिनका करे लालोगवा सब पग बंदन हो धारी देवी जिनका करे लालोगवा सब पग बंदन हो अरे धारी देवी जिनका करे लालोगवा सब पग बंदन हो। गौर करेंगे बाबू धारी देवी अलकनंदा नदी के बीचों बीच रह करके उत्तराखंड वासियों को गढ़वाल वासियों को हमेशा तूफान से बाढ़ से दैविक आपदा से बचाने का काम किया करती थी। 16 जून को पूरे विश्व के अंदर ये जो तबाही आपको देखने को मिल रही है एक विचित्र घटना घटी कि 16 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध के बावजूद स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद कुछ सरकारी तंत्र के लोग मिलकर के एक व्यक्ति को फायदा पहुंचावे खातिर पावर प्रोजेक्ट का प्लांट लागत रहल आ धारी देवी ओ प्लांटवा के बनले में रोड़ा साबित होत रहली। सरकारी तंत्र से मिलके हमारे देश का एक तंत्र जो आपके और हमारे जीवन की तकदीर और तस्वीर लिखने का काम करता है धारी देवी की प्रतिमा को हटाने का आदेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया लेकिन रोक के बावजूद धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून को हटा दिया गया। जब धारी देवी की प्रतिमा 16 जून के हट गई आखिरकार तीर्थयात्री जमा हवन लोगन का विरोध चालू बा लेकिन एक बात यहीं से दूसरे तरफ रुख करती है। राती का 8:15 केदारनाथ मंदिर में घंटा बाजल आरती भइल सब लोग आरती में शामिल भइल लोग प्रसाद लिहल मुंह में लगाई के माथे पर पोछल कुछ लोग मंदिर के अंदर विचरण कर रहे हैं और कुछ लोग मंदिर के बाहर हैं। जरा गौर करेंगे 8:15 के बाद धीरे धीरे समय 9:10, 11:00 प्रमाण मिलता है पत्रिका के माध्यम से 11:15 पर प्रकृति ने इतना बड़ा कहर ढाया जो दुनिया देख करके दंग रह गई विराह में तरज लग गई। कौन तरज बाबू देखा कुल दुख दुखे हा शारीरिक दुख सबसे बढ़हन दुख है कौनो में रारू अपन दुख बतावत दे का बतौलस अरे चढ़ली जवनिया रसाइल बाटे रस में चढ़ली जवनिया रसाइल बाटे रस में कस में न देह बाटे मन नहीं खे बस में हो हमार मिले ना दरदिया बेदर्द हो हमार बुझे ना दरदिया बेदर्द मिलल बकलोल मरदा हमार बुझ
जेना दरदिया बेदरदा मिलल बकलोला लेकिन सोरा जून रहे रविवार वाला दिनवा अरे भक्ति में रमल बाटे सब ही का मनवा केहू बाहर केहू मंदिर के भीतरिया केहू बाहर केहू मंदिर के भीतरिया जिकरिया सुना केहू बाहर केहू मंदिर के भीतरिया आगे का जिकरिया सुना केदारनाथ मंदिर में आरती हो गई ले भैया लोग प्रसाद लियनन कुछ लोग बाहर गई कुछ लोग मंदिर के अंदर में खड़ा होई के भगवान भोलेनाथ का दर्शन करत बा एकाएक प्रकृति ने अपने रूप को इस धरातल पे प्रकट करना चालू करती है और हुआ क्या बाबू अरे फट गई बादल आई बाढ़ी बा भयंकर हाय हाय मचल वही हाय हाय मचल वही मंदिरे के अंदर थर थर का पता के सबका शरीरिया हो थर थर का पता के सबका शरीरिया यार आगे कजी करिया सुना थर थर का पता के सबका शरीरिया आगे कजी करिया सुना बादल फट गया केदारनाथ के अंदर इतनी तेज आवाज इतनी तेज गर्जना लोग अवाक हो गए नजर टिकाते हैं देखते हैं किसी तरफ अरे बाप बड़ी तेज आवाज हुई है अनजाने में दिल धड़कना चालू हो गया बड़े जोर की बरसात होनी चालू हो गई बादल फटना चालू हो गया ग्लेशियर टूट गया और जब ग्लेशियर टूटा मेरे मित्रों ये प्रमाण मिला कि उत्तराखंड के लगभग लगभग 10 जनपदों में नालकंड से लेके भटवारी के साथ स्याब्या पिलंग के गांवों के समीप बादल फटा और भागीरथी में बाढ़ आ गई बाढ़ रुद्रप्रयाग देहरादून टिहरी उत्तरकाशी पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत चमोली अल्मोड़ा जनपदों में इतनी जबरदस्त रात भर में बारिश हुई बादल फटना चालू हो गए त्राही त्राही लोग करना शुरू कर दिए बारिश तो हर जगह ये होला कहीं तेज हुई कहीं कम हुई लेकिन ये तो बारिश काल बन के चलल ये बादल फटल ग्लेशियर टूटल आ जब भागीरथी में बाढ़ आई जब बाढ़ का पानी अपने बेग से चलल है भैया ओ मंदिरवा में हो जो बैठ के पूजा अर्चना करत रहल जे मंदिरवा के बाहर रहल हो नदिया का पनिया जब बाढ़ में चलल आ जब चलल तो वो नदी के बाढ़ के रास्ते में प्रमाण मिला मेरे मित्रों तीन तीन चार चार मंजिला मकान भी धराशायी होता चला गया पस्त हो गया सोए सोए लोग कब इस दुनिया को छोड़कर के अलविदा हो गए पता नहीं चला और सारा मलबा सारा गंदगी बिटोरते हुए वह बाढ़ जहां चलता था लोग जे दबा जाऊ मटिये से दबा जाऊ पानी तो बड़ा दूर का बात बा धीरे 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 तांडव होना शुरू हो गया लेकिन कहल गई सारंगा लगल कैसे मालिक अरे सागर छोड़े ला जैसे आपन उफनावा हो
आपन खाना मा हो वैसे चलल पनिया का धार जी। प्रमाण मिला, पत्रिका में लोग इस बात की चर्चा किए और जानकारों के मुताबिक एक पता चला कि 140 से तेज ओकर रफ्तार रगे, ओकर रफ्तार रगे आइल भागीरथी ने तब बाढ़ जी। लेकिन रतिया के दुई बजे मिलल जब खबरिया, अरे मिलल जब खबरिया हो मच गइल बाटे हाहाकार। उत्तराखंड के 10 जनपदों सहित कोने कोने में बाढ़ की भयानक विभीषिका जब अपना तांडव मचाना चालू करती है, तमाम लोग मौत के उस महासंग्राम में समाहित होते चले जा रहे हैं और अपने काल के गाल में समाती हुई वो बाढ़ की प्रलय धाराएं आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ए बाबू, गौर करेंगे प्रशासन को इसकी सूचना रात को 2 बजे मिलती है और जब 2 बजे प्रशासन को इसकी सूचना मिलती है तो गौर करेंगे। कहानी बड़ी विस्तार से आपके सामने बता रहा हूं। बिरहा में तरज लग गई। कौन तरज ला बाबू? मास्टर बजावत हमन कौनो लड़की के शरीर का और लड़का के शरीर के टेम्परेचर का बात ना। तो लड़का बतावत बे का बताउलस, पोरे पोरे हमारा पचड़ी गइल बाटे, अरे पोरे पोरे हमारा पचड़ी गइल बाटे अगिया जवनिया कबाड़ी गइल बाटे। पोरे पोरे हमारा पचड़ गई बाटे अगिया जवनिया कबाड़ी गई बाटे, अब इलू इलू हमारा से बोल के रानी तनी आजा कुर्ती खोल के लेकिन काल बन के चलल बाटे पानी वाला धारा महाविनाश का तब गई के इशारा। काल बन के चलल बाटे पानी वाला धारा महाविनाश का तब गई के इशारा, अरे काल बन के चलल बाटे पानी वाला धारा महाविनाश का तब गई के इशारा। केहू भागे अपन जनवा बचाई के ए भैया, रोवे शिव के नगरिया में आई के ए भैया, रोवे शिव के नगरिया में आई के ए भैया। ध्यान देंगे मेरे मित्रों, पानी का सैलाब इतना तेज बढ़ा और बाढ़ की रफ्तार इतनी तेज चली, ए भैया चारों तरफ त्राही त्राही मच गई हो, चारों तरफ हाहाकार मच गई, जे जहे बाओ जमे तो पाइल चालू हो गई। ओ पानी में जे एक बार बह गई ओकर पता ना लगे कि वह के जाई तो कहाँ जाई, बची कि ना बची एकर कौनो गारंटी नहीं खे। आखिरकार भइल का वो पानी का बेग कैसन रहल, अरे जैसे हनुमान धवला गिर के उठावे, अरे पाढ़ी वाला पानी वैसे धारवा बहावे, पानी वाला पानी वैसे धारवा बहावे।
गाछ गिर के बाटे तब दबाइल जे बाबा चल ओकर साथी ना भेटाई लसिए पर लाश गिर के बाटे तब दबाइल जे बाबा चल ओकर साथी ना भेटाई अरे लसिए पर लाश गिर के बाटे तब दबाइल जे बाबा चल ओकर साथी ना भेटाइल तके हु धरा धरा या सुआ बहाई के अरे ए भैया रोवे शिव के नगरिया में आए ए भैया रोवे शिव के नगरिया में आए ए भैया चारों तरफ हाहाकार मच गया देश के हर टीवी रेडियो टेलीविजन पत्र और पत्रिका में एक समाचार छप गया खबर दिखाई जाने लगी चैनलों पे कि उत्तराखंड में अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी प्रलय की एक ऐसी प्रतिबिंब चली है कि महाविनाश के तरफ उत्तराखंड जा रहा है। गौर कर ले भैया कहानी किसी एक व्यक्ति पे आधारित रहे तो बात दूसरी होती है। यहां तो चाहे दिल्ली हो पंजाब हो हरियाणा हो बिहार हो देश के कोने कोने से आने वाले तीर्थयात्री 10 की संख्या में 5 की संख्या में 20 की संख्या में जो लोग थे किसी के 4 साथी गायब किसी के 5 साथी गायब कोई अकेले बच के अपने साथी का इंतजार कर रहा है। काहे इतना तेज उधारा चलल हो भैया बारिश के इतना तेज प्रलय चलल कि जौना मकनिया में खड़ा हो के लोग बारिश से बचले का व्यवस्था बनैले रहलन इतना तेज पानी बरसल न भैया कि वो मकनिया ढहत चल गई लोग वही में दबा चल गई। अरे बाप रे बाप इतना भयंकर विनाश लीला आज ले दुनिया में कब्बो ना लहल बिरहा में टेरी लगल बतावल गल कैसे लिखल गईल अरे मोरे राम अरे प्रलय की मानो आधी चल पड़ी हर मोरे राम प्रलय की मानो आधी चल पड़ी अरे मौत का तांडव जनमानस की बर्बादी रूठ गई प्रकृति यहाँ से हो गए लोग यहाँ असहाय अरे लाश के ऊपर लाश पड़ी थी घायल होके कोई चिल्लाए बचाव कार्य तब शुरू हो गया सीएम का था ऐलान मदद को आए हाथ हजारों विकट समस्या थी पहचान शुरू किया सेना ऑपरेशन सूर्या हो पड़ा है नाम कहाँ कहाँ पे लोग फंसे हैं खोजन लगे हैं चारों धाम। इतनी भयंकर उस बाढ़ लीला में कौन कहाँ दब गया किसकी लाश कहाँ दबी है और कौन कहाँ घायल होकर के चिल्ला रहा है हर लोग अपने आप को बचाने की फिराक में लगे हुए थे। लेकिन बाबू सरकारी तंत्र लगातार परेशान है कि राहत कार्य बचाव कार्य में कैसे तेजी लिया जाए डीएम एसडीएम प्रशासनिक अफसर सारे लोग लगे हैं बचाने में जिधर देखिए लाशें ही लाशें दिखाई दे रही है। रास्ता टूट गया पूले टूट गई बिजली के खंभे तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए आखिरकार सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए और जहां फंसे हैं वहां तक जाने के लिए कौनो रास्तवे ना बचल हो तो कौना रास्ता से केहू जाई कैसे केहू बचाई। प्रमाण मिला बाबू 5-5 दिन 4-4 दिन तक 1 लीटर की बिस्लेरी बोतल की पानी लेकर के 5 दिन तक लोग अपने जीवन को व्यतीत किए। एक पैकेट पार्ले जी का बिस्कुट 4 से 5 बिस्कुट छोटे वाले पैकेट में आता है 10 लोग 12 लोगों के बीच 10-10 दिन 5-5 दिन के भोजन का आहार बनने का काम किया। लोग तड़पत बा असहाय बा पानी ना मिलत बा लोगन के भोजन ना मिलत बा दाना पानी ना मिलत बा दुनिया का हर आग तो ठंडा हो जाई हो लेकिन कितनो कष्ट में रह भाई पेट का आग जब बरल चालू हो जाई तो देह के झकझोर के रख देवेला। लोग भूखाइल बा लोग पियासल बा लेकिन भूख पियास के मिटावे के तो दूर जिंदगी बची कि ना बची एकर कौनो गारंटी नहीं खे। धीरे 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 सेना को ये ड्यूटी सौंपी जाती है जिम्मेदारी दी जाती है एयरफोर्स के जवान
अपने को कमर कस के तैयार होते हैं और उन सैलानियों को तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए एयरफोर्स के जवानों को हिम्मत दे करके भेजा जाता है। मौसम इतना खराब कि हेलीकॉप्टर उड़ना भी आसान नहीं है, लेकिन सेना के जवान अपने जान की बाजी लगा करके चलते हैं। और जब चलन तो ओ समय के बात बा, बड़ा खूबसूरत तरह लगल कोनो में हरारू बड़ा शौक से ब्याह भैला के बाद अपना ससुरा गई आ रात भर का जौन ओकर व्यवस्था रहल। सवेरे फिर वो मेहरारू अपने दिल में कल्पना कर बेका कैलस गीत बा मास्टर बजावत हमन उहे गीत के लाइन बा कॉमन। अरे सैया लैका नियर सूती जाला कोरा में, अरे सैया लैका नियर सूती जाला कोरा में मैया के अजोरा कमान के ताय अपने हाथावा में ले के कमान के सेना के जवान चलले अपने हाथावा में ले के कमान के सेना के जवान चलले अपने हाथावा में ले के हिंदुस्तान के धरती पर सेनाओं के अंदर जितनी ताकत है और सेना के अंदर जितनी कुवत है, शायद जब जब देश को जरूरत पड़ी है, चाहे दुश्मनों से लड़ाई लड़ने के दौरान, चाहे देश में जब जब आफत विपत पड़ी है, प्रलय हुआ है, जवान मुस्तैदी के साथ अपने जान की बाजी लगा करके और भारत माँ के अस्मत को और भारतवासियों को बचाने का काम किया करते हैं। कहना है क्या? अरे घाटी में खोजे हेली कॉप्टर उड़ाई के, अरे जेके जहां पावे उसु जेके जहां पावे उसु रक्षित पहुंचाई के सुरक्षित पहुंचाई के। अरे लेके अपन हथेली पऊ जान के यार सेना के जवान चलन, अरे लेके अपन हथेली पऊ जान के सेना के जवान चलन, अरे लेके अपन हथेली पऊ जान के सेना के गौर करेंगे बाबू। सेना अपने आप को तैयार करके, अपने आप को स्टैंड करके एक मिशन बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट और दुनिया का सबसे बड़ा मिशन किसी तीर्थ स्थान का ये फर्स्ट होने जा रहा है, जिस मिशन का नाम सूर्या होप पड़ा। प्रशासनिक अफसरों के द्वारा ये जानकारी मिली, पेपर पत्रिका के माध्यम से जानकारी मिलल। ऑपरेशन का नाम सूर्या होप रखाई और सेना के जवान हेलीकॉप्टर से चलते हैं। ड्यूटी लगाई गई थी सेना के जवानों की, लेकर के हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और जवान अपने देश के अंदर उस तीर्थस्थान पर फंसे हुए सभी लोगों को निकालने का जिम्मा लेकर के चलते हैं। 7,000 जवान इस ऑपरेशन में लगाए गए, 150 पैराशूट कमांडो, 58 हेलीकॉप्टर। अब तक का ऑपरेशन सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जरा गौर करेंगे बाबू, धीरे धीरे सेना के जवान हेलीकॉप्टर लेके उड़ते हैं। घाटी में
हेलीकॉप्टर सर्वे करता है, देखते हैं कहीं एक जगह झाड़ी में 15 लोग बैठ करके और ऊपर टुकुर टुकुर ताकत हवन कि अब कहीं से कुछ आई तो कुछ निवाला होई, कुछ आहार होई, चाहे कि वो ऐसा आ जाई जे हमरे जान के हमरे जिंदगी के बचा ले। अगल बगल झाकत हवन तो पहाड़ टूट के खाई बनल बा, पहाड़ टूट के 50 फुट 60 फुट नीचे तक खाई बनल बा, गड्ढा बनल बा, एक पैर नीचे गई तो जिंदगी ये दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन मजबूरी यह है कि दूसरे तरफ लोग इस प्रयास में हैं कि हो सकता है कोई प्रशासनिक अमला, हो सकता है कोई राहत कार बचाव करने के लिए लोग आएंगे। लेकिन धीरे 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 इस चर्चा को छोड़िए, सेना के जवान स्वयं पुल बनाना चालू करते हैं, सेना के जवान पैराशूट से उतरते हैं, हेलीकॉप्टर से रस्सियां नीचे गिराते हैं। धन्य हो अपने देश के जाबाज बहादुरों को मैं सत नमन और सलामी करता हूँ। उतरते हैं रस्सी से और अपने शरीर में लिपटा करके एक आदमी दो आदमी को फिर हेलीकॉप्टर उड़ता है, लेकर के चलता है और सुरक्षित स्थान पे पहुंचा करके फिर चलते हैं। तमाम लोग अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किए, हमार भाई रहलन हमसे छूट गईलन, बिछड़ गईलन, हमार मातारी रहल पता नहीं बाढ़ में दह गईल कि बचल वे, हमार बाबूजी रहलन पता ना ये दुनिया में बालन कि ये बाढ़ के काल के गाल में वो समा गईलन। लेकिन एक छोटी सी जिक्र है, जरा गौर करेंगे, दोहा लगल कैसे, गंगा देवी नाम चली थी अरे करने चार धाम, काल के गाल में देख समाते हुए लोग हैरान, रोहतक की रहने वाली गंगा देवी उम्र 40 साल, अपने पूरे परिवार के साथ 9 लोग चार धाम की यात्रा पे चले थे, दिल में बड़ा अरमान लेके। हाले हाले बेटवा का शादी भइल बा, मनौती बा शादी बढ़िया से निबुक जाई, हमारी बेटा का मनौती बा, पूरा सब परिवार सहित चार धाम गंगोत्री जम्बोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ के यात्रा करेंगे और भगवान महादेव के शिवलिंग पे सर पटक करके आपसे आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। आई थी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद निकल करके किनारे खड़े थे, सुरक्षित स्थान के तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे 16 जून को। लेकिन धीरे 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 जब पानी के सैलाब अपने आवेश में होकर के चला तो गंगा देवी को पनिया के धारवा में अचानक पैर फिसलल, वो पानी के धार में समाई के गंगा देवी बहे लगली। परिवार का लोग रहल जियते माछी केहू के ना घोटाले, ये भैया एक आदमी कूदा नौजवान थे उसमें, दूसरा कूद गया, देखते देखते 7 लोग परिवार के उस नदी में कूद गए। नदी में कूदने का अंजाम तो ये रहा कि इतनी तेज धार इतना तेज प्रवाह, कूद तो गए लेकिन वापस फिर कभी दोबारा दिखाई नहीं दिए, वो खड़ा है कि तैर रहे हैं कि मर गए किसी पत्थर में लड़ करके। लोग देखते रह गए तमाशाबीन बन के, एक सदस्य उस परिवार का बचा था। बधाई देना चाहता हूं अपने मीडिया के साथियों को, News 24 की टीम वहां पहुंचती है और सवाल करती है कि आप अकेले हो, कहा नहीं साहब, नहीं साहब अकेले नहीं है साहब, मेरी माँ जिसका नाम गंगा देवी साहब मनौती रहले साहब, भैया का ब्याह हो जाए तो पूरा परिवार सहित केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमोत्री में दर्शन करे आवल जाए, दर्शन करे तो इली जा जरूर, लेकिन माई जब हमार बाढ़ में दहे लागल तो पूरा परिवार का लोग माई के बचावे बदे कूद गए साहब, लेकिन वापस केहू आई ना, अकेले वाली है साहब, अब घरे जाइब तो कैसे जाइब, कवन मुंह दिखाई दे साहब, अकेले बाणी हमहू चलत नहीं, सबके तक काल के गाल में प्रकृति समा लेलस, लेकिन हम अपने आप चलत नहीं कूदब आ ये दुनिया से अपन नाता तोड़ब। News 24 का संवाददाता था, कलाई पकड़ा और सवाल करता है, प्रकृति से बड़ा भगवान से बड़ा दुनिया का कोई व्यक्ति और दुनिया की कोई चीज नहीं हुआ करती है, चलो
बचे रहोगे, बच गए हो, ये भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकर के हाथ पकड़ के खींच के लेके जाता है और मैं स्वयं टीवी पे 12:30 बजे रात तक बैठ करके इस घटना को देख रहा था। मेरे मित्रों, गायक होने के साथ साथ थोड़ी बहुत राजनीति भी किया करता हूं। News 24 से लेकर के IBN 7 तक सारे पत्रकार केदारनाथ में डट गए थे। रात को 9:30 बज रहा था और एक पत्रकार उस केदारनाथ मंदिर के तरफ अपने कदम को बढ़ा रहा था। इतनी भयंकर बाढ़, इतनी भयंकर तांडव के बाद पानी जब थोड़ा खत्म हुआ था, कदम आगे बढ़ा रहा था और कदम आगे बढ़ा रहा था तो ऊपर का सीन कैमरे में फ्लैश करके दिखा रहा था और बार बार कह रहा था कि मैं नीचे का सीन आपको इसलिए नहीं दिखा सकता कि हमारी भी कुछ सीमा है और मैं जितना कदम चल रहा हूँ उतना कदम लाश के ऊपर ही पैर रख के चल रहा हूँ। फाट गई करेजा देखे वाला कहो, लेकिन लोगन का हालत हो जा काबा, तनी बात पर गौर करेंगे। कहना है कातर लगे ऐसन भारी अरे बजर गिरल बा, ऐसन भारी अरे बजर गिरल बा, गोदिया मतारी कसून भइल बा, सुनुरा धोआइल केतना लोग कोई जा, सुनुरा धोआइल केतना लोग कोई जा, ऐसन बेदर्दी मानसून भइल बा, आर से नुरा धोआइल केतना लोगे कोई जा, ऐसन बेदर्दी मानसून भइल बा, आर से नुरा धोआइल केतना। अरे यूपी बिहार बंगाल हरियाणा खोजे चलल लोग के बा आपन सहारा, यूपी बिहार बंगाल हरियाणा खोजे चलल लोग के बा आपन सहारा, लसिया के ऊपर पड़ल माल लसिया, लसिया के लसिया के ऊपर पड़ल बाली लसिया, आर कुदरत कैसन कानून भइल बा, आर कुदरत कैसन कानून भइल बा, सिनुरा धोआइल केतना लोग कोई जा, सिनुरा धोआइल केतना लोग कोई जा, अरे ऐसन बेदर्दी मानसून भइल बा, आर सिनुरा धोआइल केतना लोग कोई जा, ऐसन बेदर्दी मानसून भइल बा, आर सिनुरा धोआइल। उत्तराखंड के तबाही में, बाढ़ के भयंकर लीला में जवन कुछ नुकसान भइल, रोज टीवी में आवे सैकड़ों लोग अभी घरों के अंदर फंसे हुए हैं, हजारों लोग मलबे में दबे पड़े हुए हैं, इतने हजार लोग मर गए, इतने लोगों के मरने की और फंसने की आशंका है। के नाव लेके क्यों बताई, दुनिया में जब खबर मिलल भारत के कोने कोने से, देश के कोने कोने से लोग अपने परिजनों को खोजने के लिए चलते हैं। शिविर बनाया गया था, धर्मशाला में व्यवस्था किया गया था, जो लोग मिलते थे उनको शिविरों में धर्मशालाओं में ला करके रखा जाता था
और जो उस काल के गाल से बच करके निकल के आकर के धर्मशाला में बैठे रहल ने भैया ओके तो होशे ना कि हम साँचो बच गईनी कि जियताली। जिंदगी के सबसे बड़े जंग को जीत करके वो व्यक्ति आए थे। कुछ लोग चलल लेकिन यही ऐसे कहानी एगो मोड़ लेलस विदेशिया का लाइन लगल भइल का करे पहचान चलल अरे हित मीता घरावा से आई के शिविर में करे लनी जी करिया केहू कहे भाई मोरा केहू कहे बाबूजी के आ केहू का बहिनिया के अरे खोजे ले नजरिया शहर इलाहाबाद के सुने ना गुजरिया गो माई बाबू भाई भाबू जाई काजी करिया। हर साल इलाहाबाद शहर से अल्फ्रेड पार्क के बगल में जो कॉलोनी है उस कॉलोनी से हर साल चार धाम की यात्रा करने के लिए लोग बस आती है, टिकट कटा करके बैठते हैं और हर साल उस धाम पे आते हैं, तीर्थ यात्रा पे आते हैं। इस साल भी कुछ लोग चले, बस चलती है और जब बस आती है सुनैना साहनी नाम की वो बिटिया जिसने टेलीविजन पे सीधा सीधा आकर के एक दिन पहले, देखिए क्या गजब की दास्तान है, एक दिन पहले टेलीविजन पे अपना साक्षात्कार दिया था कि मेरे परिवार के सारे लोग, केवल दो महिलाएं बची हैं, मैं और मेरी भाभी और मेरे परिवार के सभी लोग, माँ बाप से लेकर के छोटे बड़े सभी नन्हे मुन्ने बच्चे भी उस बस में सवार होकर के चार धाम की यात्रा पे गए हैं। गौर करेंगे बाबू, दो दिन बाद जब कोई सूचना नहीं मिलती है, परिवार का लोग अन्न पानी छोड़ देले वालन, चलती है सुनैना अपने परिवार के लोगों को ढूंढने, आती है ऋषिकेश में शिविर के अंदर बैठ करके लगातार अनाउंसमेंट दफ्ती लेकर के, आप देखे होंगे लोग फोटो चिपका चिपका करके घूमते थे कि इस चेहरे का, इस कद काठी का ऐसा व्यक्ति अगर कहीं दिखाई दे तो वो मेरे परिवार का है। लोग मदद भी किया करते थे, मीडिया से लेकर के स्थानीय लोग भी मदद किया करते थे। अचानक दूसरे दिन सफलता उसको मिली और दो लाश मिली, संजोग से वो दोनों लाश उसके भाई और उसके बाप की थी। फाट गई करेजा हो, कौन ऐसन बिटिया होई हो जवन ये सुनी कि हमर बाप ये त्रादशी में, ये बाढ़ के भयंकर विभीषिका में ये दुनिया के छोड़ के स्वर्गवासी हो गए, लसिया मिलित कैसे, लेकिन धन्य है सेना का जवान जे अपने जान पर खेल के लाश के भी निकाले और फंसे हुए यात्री के भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचावे। दो लाश मिल गई और दो दिन और इंतजार करती है कि शायद कुछ लोग और मिल जाए। चार दिन से मुंह में अन्न पानी नहीं गया है, लाश का वहीं पे अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया गया। सीएम विजय बहुगुणा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदेश दे दिए कि किसी भी तरह की राहत कार के बचाव में कोताही नहीं होनी चाहिए, सारे प्रशासनिक अफसर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सुनैना दाह संस्कार कई के इलाहाबाद लौटल, लोग बतावेला दूसरे दिन टीवी पे दिखा रहा था बार बार रिप्ले करके कि सुनैना के इस सदमा बर्दाश्त ना भई। सुनैना रात को 10 बजे तक अपने भाभी के साथ उस कमरे में थी लेकिन 10 बजने के बाद अपने कमरे में चली गई, दुपट्टे को गले में बांधती है और ऊपर स्टूल नीचे रख करके खड़ा होती है, फैन में उस दुपट्टे को ऊपर से लपेट देती है, पैर से मारती है, स्टूल गिर जाता है, बटन हाथ में डंडा ली हुई थी इशारा करती है, बटन का स्विच ऑन होता है और ऐसे करके पंखा ज्यो ज्यो चलता गया त्यों त्यों सुनैना के गले की रस्सी कसती चली गई और अंततोगत्वा अपने माँ बाप और परिवार के बिछड़ने के गम में सुनैना ने फांसी लगा करके जान दे दिया। बारे भगवान, बारे भगवान भोलेनाथ,
तरी दुआरी पर लोग बड़ा उम्मीद आ विश्वास से दर्शन करे जालन के उजाला आचल फैलाई के कहला कि भगवान हमरे गोद में एगो बेटवा दे दो कौनो लड़का जयन कहन भगवान हमके खूब सुंदर मेहरारू दे दो। दुनिया के लोग जाई तो कही भगवान हमके दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति बना दो, ये दुनिया का चलावे वाला, ये दुनिया का मालिक, तुहरी दुआरी पर जाई के सर पटक के लोग फल पौले का इच्छा रखेलन। लेकिन आज तुहरी दुआरी पर लाखों लाखों लोग इस तांडव में अपन जान गंवा दियलन। आ कितना लोग वो मट्टी में दबाई लवन, मलबा में दबाई लवन, यहाँ तक प्रमाण मिला कि केदारनाथ का मंदिर भी मलबे में इतना दब गया था कि अंदर की मूर्ति और दरवाजे से ऊपर तक मिट्टी चली गई थी। 10 किलोमीटर के अगल बगल का एरिया तमाम जैसे एक तरह से जेसीबी मशीन लगाई गई हो और पूरा पस्त कर दिया गया हो। 18,100 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ, 2073 सड़कें उत्तराखंड में थी जो वर्तमान समय में 2073 सड़कों पे वाहन दौड़ता था, 450 सड़कों का पता नहीं कि सड़क गई तो कहां गई, 1377 पेयजल की परियोजना थी वहां पे जो ग्रामीणों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा था, 374 पेयजल की जो व्यवस्था की गई थी उस जगह का पता नहीं चला, बिजली 3,758 गांवों में थी, 851 गांव बिजली के संपर्क से टूट गए, कई सैकड़ों गाड़ियां नदी के बाढ़ में जो खड़ी थी, स्कॉर्पियो टवेरा क्वालिस पजेरो से लेके बड़ी बड़ी गाड़ियां नदी के पानी की धार चली तो जैसे ऐसे तैरती थी कि कागज की नाव बना करके पानी पे तैराया जा रहा हो। कहां गई, कहां तक बह के चली गई, इसका कोई अंदाजा नहीं। धीरे धीरे 2-4 दिन बीतल, देश के इतिहास में पहली बार किसी धर्म स्थान पे इतने तीर्थयात्री मारे गए, कई हजार लोग मरलन, कई हजार लोग दबैलन। एक बात मैं बताऊं, छोटी और बड़ी नदी मिलाकर के उत्तराखंड में 18 नदियां बहती हैं और 18 में से 8 नदियों में सबसे बड़े बाढ़ भयंकर का तूफान लेकर के और ऊपर से जलस्तर बहता बहना चालू हो गया था। धीरे 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 ये बात का खबर दुनिया में पहुंचल, दुनिया के कोने कोने से लोग राहत सामग्री से लेके रुपया पैसा भी उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए दान देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जब कुछ दिन व्यतीत हो गया, पानी का जलस्तर घटा और जब पानी का जलस्तर घटा तो जो लाश जमीन में दबी हुई थी सड़ना चालू हो गया, और जब सड़ल चालू हो गई ए भैया तब भैल का बिरहा में पहपट लगल, बतावल गिर कैसे लाश का सड़ना, अरे हुआ वहां पर जारी चिंता भारी बाप, अरे लाश का सड़ना, अरे हुआ वहां पर जारी चिंता भारी बाप, अरे सेना किया कमर कस के तैयारी चिंता भारी बाप। जून दोपहर में आखिर, अरे मौसम दे दिया धोखा हो, खराब मौसम के चलते पायलट हेलीकॉप्टर रोका हो, लेकर के सेना के जवान अपने जाबाज सिपाहियों को उन फंसे हुए तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पे लग जाते हैं, लेकर के हेलीकॉप्टर को इस पार से रस्सी फेंकते हैं पहाड़ में फंसाते हैं और उस पार पहाड़ के अंदर कांटा फंसा करके बीच में घिरनी लगा करके और इधर फंसे तीर्थयात्रियों को कमर पकड़ा करके टीवी पे सीधा प्रसारण दिखा रहा था, इस पार से उस पार ले जाकर के सुरक्षित पहुंचाने का काम किया करते थे। दूसरे दिन तीसरे दिन सेना अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के युद्ध स्तर पे लगी है बचाव कार्य के लिए, लेकिन 25 जून को दोपहर को सेना के जवान हेलीकॉप्टर लेकर के उड़े
और लेकर के उड़े। लगभग लगभग दोपहर के बाद मौसम खराब होना चालू हो गया, पायलट घबरा गया, हेलीकॉप्टर को कहीं लैंड करना पड़ेगा, बारिश आ जाएगी तो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता है। और सेना का वो पायलट, हेलीकॉप्टर का पायलट, उस हेलीकॉप्टर को लैंड करने के फिराक में लग गया। और जब लैंड करने के फिराक में लग गया, कहीं सुरक्षित स्थान दिखाई नहीं दे रहा है जहां हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। तब तक इंद्रदेव की कृपा बड़ी जबरदस्त हो गई और इतना तेज बारिश आना चालू हो गया। हुआ क्या बाबू बतावल गिर, कहना है क्या? अरे 25 जून दोपहर में आखिर, अरे मौसम दे दिया धोखा हो, खराब मौसम के चलते अरे पायलट हेलीकॉप्टर रोका हो, लैंड कराने के लिए किया तैयारी चिंता भारी बम, क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर वही भारी चिंता भारी बा। हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना चाहता है, लैंड करना चाहता है, और तब तक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, मतलब हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर जाता है, आग लग गई। प्रमाण मिला बाबूजी, 20 जवान उस हेलीकॉप्टर में सवार थे और 20 जवानों के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। सेना के हेडक्वार्टर पे इसकी सूचना जाती है कि 20 जवान शहीद हुए हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। गौर करेंगे बाबू, सेना के जवानों को दुख तो हुआ, अपने शहीद हुए हुए साथियों के प्रति संवेदना तो व्यक्त करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना जब हमारे दिल में है, देख रहा है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक तरफ युद्ध स्तर पे उस प्रकृति के द्वारा ढहाए गए कहर से बचाने के लिए राहत बचाव कार्य चालू है, सेना के जवान जीवन और मौत से जूझ रहे व्यक्तियों को बचाने में जुटे हुए हैं, और एक तरफ सूचना मिलती है कि आखिरकार हेलीकॉप्टर क्रैश होने में 20 जवान शहीद हो गए। मन में दुख हुआ, लेकिन तब भी हेलीकॉप्टर चलता है वहां पर अपने जवानों को ढूंढने के लिए, जवानों की लाशों को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते पहले दिन 2 लाश मिली, एक लाश किसी अदर स्टेट की थी और दूसरी लाश उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद जनपद असरफा गांव के रहने वाले, असरफाबाद गांव के रहने वाला सुधाकर यादव नौजवान की लाश थी। हुआ क्या विराम आल हलकल बतावल गिल, कैसे? अरे जंग में सेना यहां की लड़ती, अरे जाने ना देते सम्मान, प्रलय घड़ी में जान लगा कर दिखलाया अपनी पहचान, 20 जवान शहीद हो गए, जान बचाने दे दिए जान, हुआ शहीद सुधाकर यादव, यूपी खलीलाबाद मकान गर्व से सीना चौड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश खलीलाबाद का रहने वाला सुधाकर यादव, ग्राम असरफाबाद का सुधाकर यादव शहीद हो गया। और जब शहीद हो गया मेरे मित्रों, सेना के जवान ढूंढते ढूंढते जाते हैं, लाश मिलती है, लाश को हेडक्वार्टर लाया जाता है, टेलीफोन के द्वारा वहां के एसडीएम को एसपी को सूचना आती है कि तुम्हारे जनपद का एक जवान नाम सुधाकर यादव शहीद हुआ है, उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए चला था हेलीकॉप्टर लेकर के, क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर, शहीद हो गया तुम्हारे जनपद का जवान। लाश कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश के उस खलीलाबाद गांव जिला के असरफाबाद गांव में पहुंचाई जाएगी, अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए तैयार रहना। गौर करेंगे बाबू, खबर धीरे 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 इसकी खबर घर वालों को मिलती है, और जब घर वालों को इसकी खबर मिलती है बाबू, जरा गौर करेंगे, फाट गई करेजा हो। सुधाकर यादव की पत्नी मंजू यादव
जो अपने पति के मौत की खबर को सुनती है, फाट गई करेजा। अरे बाप रे बाप, कौन ऐसा मेहरारू होई हो जौना के खबर मिले कि ओकर सुहागे दुनिया से अलविदा हो गई, ओकर जोड़ा ये दुनिया से ओकर साथ छोड़ के चल गई, पूरा परिवार बेहोशी की हालत में है, किसी को कुछ दिखाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मातम मनाया जा रहा है दरवाजे पे। 6 दिन लग गया शहीद होने के बाद, 6 दिन लग गया उस लाश को असरफाबाद आने में। लेकिन बाबू बिरहा में सदर आल्हा लग गई, बतावल गई कहना है क्या। कनिसाउर बढ़िया लाल अरे गोरखपुर विमान से आई ला बाटे लसिया, ए भैया गोरखपुर विमान से आई ला बाटे लसिया, अरे सेना के जवान लेके चले वही बाहर, बाबू महानंद का फाटा तबाटे छतिया, माई दूरा गावती रोवेली ही आपा, गौर करेंगे बाबू पिता महानंद यादव जिनको खबर मिलती है कि मेरा जवान बेटा जो एयरफोर्स का जवान था उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए, फंसे हुए तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार होकर के जा रहा था, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मेरा बेटा इस दुनिया से सदा सदा के लिए अलविदा हो गया। मेहरारू मंजू का हालत खराब बा, बाबू महानंद का हालत खराब बा, दुर्गावती माई तो छतिया पीट पीट रोवे कहे ये भगवान अरे ये बुढ़ौती में हमके उठा ले रहता, हमारी बेटवा के जिया दे ले रहता हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझा जवान बेटे का बूढ़े बाप के कंधे पर जब जनाजा सवार होके चलता है तो दुनिया का सबसे बड़ा गम और दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट उस दिन दिखाई देता है। लेकिन वो पत्नी का भाई के मंजूर वेली जे करबू जाड़ल सुहागा, अरे मंजू रोवेली जे करबू जाड़ल सुहागा, मंजू रोवेली जे करऊ जड़ल सुहागवा, आ भाई दिवा करके न रहिया देखाए बाबू, दिवाकर भाई अपने भैया के याद में चलती पीट पीट के रो रहा है। क्या भगवान, एक तरफ दुनिया के लोगों के ऊपर तेरे घर में कहर बरपाया जाता है और दूसरे तरफ अगर उनको बचाने के लिए कोई जवान अपने जान की बाजी लगा करके चलता है तो उसको भी तो इस दुनिया से उठा के लेके चला जाता है। आखिर दुनिया में एक गलती की सजा कितने लोगों को मिलेगी, गौर करेंगे बाबू। रविवार को सेना के विशेष विमान से लाश लाई गई और सड़क मार्ग से 10:45 पर खलीलाबाद जनपद के असरफाबाद गांव लाया गया। एयरफोर्स के अनुराग जोशी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह, कांग्रेस के सांसद जगदम्बिका पाल, DIG बस्ती रामकृष्ण, जिला अधिकारी इंद्रवीर सिंह यादव, SP पीयूष श्रीवास्तव जैसे लोग जाकर के और उस ताबूत पर और उस सुधाकर यादव के शहीद पार्थिव शरीर पर
पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जवान को सलामी देते हैं और कहते हैं धन्य हो सुधाकर यादव, उत्तराखंड में फंसे हुए लोगों के लिए अपने जान की बाजी लगा करके लोगों को निकालने के लिए चला था, लेकिन शायद भगवान के यह मंजूर रहे। ए भैया, दुनिया का सबसे बड़हन घटना भइल, टीवी, पत्रिका, रेडियो, ये सब न्यूज चैनल ये सब रोज दिखावत बा कि कई हजार लोग मर गए, कई हजार लोग फंसे हुए हैं, कई सौ लोगों का सामूहिक दाह संस्कार हुआ, कितने लोग लापता है। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बात को कह रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग का भी पता नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा किया मृतकों के लिए कुछ रुपया पैसा देने की। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नौजवानों के दिलों के धड़कन अखिलेश सिंह यादव ने भी घोषणा किया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, दौरा करते हैं और गुजरात के मरे हुए लोगों को, घायलों को कुछ मदद देने का आश्वासन दे करके जाते हैं। लेकिन दुनिया में और दुनिया के लोगों से सिर्फ एक सवाल कि मरने के बाद 1 अरब रुपया 1 करोड़ रुपया किसी के परिवार को दे दिया जाए, दुनिया की सारी दौलत दे दिया जाए, लेकिन किसी का जवान बेटा वापस नहीं लौटाया जा सकता, किसी की कोख फिर से इस बात की गवाही नहीं देगी, मेरे कोख से पैदा हुआ बेटा अगर शहीद हो गया तो रुपया पैसा उसकी भरपाई कर देगा, ये कतई इस बात की गवाही नहीं देगी। लेकिन मैं तो केवल एक बात कहता हूं मेरे मित्रों कि सामाजिक परिदृश्य के जितने लोग हो, दुनिया के लोगों को एक गायक होने के नाते नाते, एक कलाकार होने के नाते, एक पॉलिटिकल व्यक्ति भी हूं, एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि ऐ मेरे मित्रों, दुनिया में अगर पर्यावरण सुरक्षित है, दुनिया में अगर हमारे देश की संस्कृति सुरक्षित है, तो दुनिया को हर आपदा, हर आफत और विपत्त से बचाया जा सकता है। धारी देवी की प्रतिमा जो 800 साल से अलकनंदा नदी के बीच में खड़ी होकर के उत्तराखंड और गढ़वाल वासियों की रक्षा करने का काम करती थी, 16 जून को प्रतिमा हटाई गई और उसी दिन रात्रि से ये भयंकर लीला और भयंकर बाढ़ और उत्तराखंड में तांडव होना शुरू हो गया। बिरहा में खड़ी लगल बतावल गेल कैसे, कवि की कलम सवाल करती है, तमाम दुनिया के लोग उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री और सहायता राशि देने का काम किए। मैं भी गायक के साथ साथ जिले के सबसे बड़े पंचायत के सदन का सदस्य हूं, जिला पंचायत सदस्य हूं, मैं भी अपने कुछ साथियों सहित मदद के लिए कुछ धन इकट्ठा करके उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए देने का और पहुंचवाने का काम किया था। बिरहा में खड़ी लगल बताओ लगल कैसे, कीर्ति के साथ है, अरे जब खिलवाड़ होई है तो अपने देश का बगिया ऐसे ही उजाड़ होई भयंकर आई हुआ राजस्व का तब नुकसान, प्रलय भयंकर आई हुआ राजस्व का तब नुकसान, अरे लाश के ऊपर लाश पड़ी थी कई हजारों जान, तधारा देवी जैसन अरे प्रतिमा से छेड़छाड़ होई है, अपने देश के बगिया ऐसे ही उजाड़ होई।
इतने नास्तिक बनते चले जा रहे हैं कि धर्म के प्रति एक तरफ जहां धर्म को हम मनोरंजन का साधन समझ लिए हैं, जाना है, घूमना है, ऐसा आराम करके आना है, और प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पेड़ पौधों के साथ, प्रकृति के साथ जो क्रूर मजाक हो रहा है, उसका खामियाजा कल उत्तराखंड में भुगतने को मिला। फिर बारी आएगी, किसी दिन उत्तर प्रदेश में होगा, दुनिया के कोने कोने में होगा। अगर यही कारवा चलता रहा तो धरती पर इंसान नाम की चीज कोई रह नहीं जाएगी। अब से भी समझ जाओ मेरे मित्रों, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद होना चाहिए और धर्म के प्रति आस्था बढ़नी चाहिए। अंतिम लाइन का बात बा, मरे हुए सभी उत्तराखंड में मरे हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए हम गायक कलाकार और ये कैसेट कंपनी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती है भाई किशोर जी के नेतृत्व में। ईश्वर से आराधना वंदना करते हैं कि मालिक उस मरे हुए आत्मा को शांति प्रदान करें। अंतिम लाइन के बाद में कहना है क्या, गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए है गम से, अरे स्वर्ग चंद्रिका कभी कहे आंसू बहे नयन से, अरे प्रलय की मानो याद ही चल पड़ी, अरे प्रलय की मानो याद ही चल पड़ी, धर्मेंद्र सोलंकी तब देश की हुई बर्बाद।